वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा वक्त आने से पहले मनुष्य को ये 10 संकेत मिलते हैं। अगर आपको भी अपने घर में इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे तो समझ जाइए कि अब आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आता है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में सही रूप से खुद का मार्गदर्शन कर पाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन उतार चढ़ाव की वजह से ही इंसान खुद के व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार ला सकता है। हर इंसान का समय अलग अलग होता है। जब वो खुद को एक नई दिशा और दशा दे पाता है और साथ ही खुद के अंदर एक ठहराव भी पैदा कर लेता है। हमारा जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी तो सुख और कभी दुख भी बराबर मात्रा में होते हैं। जब भी कोई अच्छा कार्य करने जाता है तो आपको निश्चित रूप से एक संकेत मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब भी मनुष्य कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे उसका अच्छा फल ही मिलता है। कई बार मनुष्य को अच्छे कर्म का फल तुरंत ही मिल जाता है तो कभी इसमें कई साल भी लग जाते हैं, लेकिन उसके द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कर्म विफल नहीं होता। इसीलिए जब भी मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो उसे उसकी अनुभूति पहले ही हो जाती है। ईश्वर द्वारा मनुष्य को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे मनुष्य को अब समझ जाना चाहिए कि उसका बुरा वक्त समाप्त होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहला संकेत, भगवान के ऊपर चढ़ाया गया फूल अचानक गिर जाना। इस घटना को एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर पूजा करते समय भगवान के ऊपर चढ़ाया गया फूल अचानक से नीचे गिर जाए तो निश्चित रूप से इसे आपके लिए अच्छा संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। दूसरी बात, घर में पशुओं के द्वारा जन्म देना। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर जन्म देता है या पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं तो उसे अच्छा समय आने का संकेत माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जन्म का होना एक अलौकिक क्रिया मानी गई है और ये ईश्वर के द्वारा बहुत ही शुभ संकेत है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पशु या चिड़िया बच्चे को जन्म दे तो उसके घोंसले को बिल्कुल भी ना तोड़े। तीसरी बात, आंखों का फड़कना। अगर लगातार सुबह के समय आपकी आंखें फड़क रही है तो ये संकेत है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके द्वारा किए गए किसी अच्छे कर्म का आपको फल मिलने वाला है और आपको किसी कार्य में सफलता मिलने वाली है। चौथा संकेत, ब्रह्म मुहूर्त पर नींद खुलना। कई बार ऐसा होता है कि गहरी नींद होने के बावजूद सुबह सुबह नींद खुल जाती है, लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं देते और फिर से सो जाते हैं। इसी तरह से अचानक ब्रह्म मुहूर्त पर नींद खुलना एक अच्छे समय का संकेत माना गया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है, इसीलिए सुबह नींद खुलने के बाद कोई भी गलत काम ना करें, केवल ईश्वर की भक्ति करें। पांचवी बात, मन का प्रसन्न होना। कभी कभी हम जब सुबह सोकर उठते हैं तब ये गौर करते हैं कि हम अपने आप में ही खुश नजर आ रहे हैं। आपका मन अचानक ही प्रसन्न हो उठा है। जब आप कमरे में लगे हुए आईने को देखते हैं तो अपने आप को देखकर आप और भी प्रसन्नचित और प्रफुल्लित महसूस करते हैं, तो ये आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय का संकेत माना जाता है। छठी बात, सुबह हंसता हुआ बच्चा दिखना। जब आप अपने किसी काम के लिए घर से बाहर निकले और आपको अचानक रास्ते में कोई छोटा बच्चा या कोई छोटी लड़की हंसती हुई दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आपका दिन शुभ जाने वाला है और आप जिस काम के लिए निकल रही हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। सातवां संकेत, सफेद गाय के बच्चे को अपनी माँ का दूध पीते देखना। अगर आपने रास्ते में किसी सफेद गाय के बच्चे को अपनी माँ का दूध पीते देख लिया है तो इसका अर्थ है कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। ये कामधेनु माता द्वारा दिया गया संकेत है। कामधेनु माता मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है, इसीलिए अगर आपको ऐसा दृश्य दिख जाए तो बहुत ही भाग्यशाली है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आठवां संकेत, अचानक पैसों का खर्च कम होना। आप हर महीने जितने पैसे खर्च कर लेते हैं अगर उससे कम पैसे खर्च हो रहे हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा संकेत है।
माँ लक्ष्मी आपके किसी अच्छे कार्य से प्रसन्न है और वो आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती, इसीलिए अब आपके जीवन में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए बनी रहेंगी और आपको अक्षय धन की प्राप्ति होगी। नौवीं बात, प्रसाद में चढ़ा हुआ नारियल खराब निकलना। जब भी आप मंदिर की पूजा करने जाते हैं या घर में ही पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा कि चढ़ाया हुआ नारियल कई बार खराब निकलता है। इसे भी एक अच्छा संकेत माना जाता है और माना जाता है कि भगवान आपकी कोई इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। दसवीं बात, बंदर का आपके घर से कोई सामान उठा कर ले जाना। अक्सर बंदर ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर घने पेड़ होते हैं, उनके माध्यम से वो अपनी भूख मिटाते हैं। लेकिन अगर बंदर आपके घर पर आकर कोई वस्तु चुरा कर ले जाते हैं तो इसे शुभ संकेत माना गया है। ये आपके जीवन में आने वाले संकटों की समाप्ति का संकेत है और अब आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको रास्ते पर चलते समय कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो ये उधार दिए गए पैसों का जल्द मिलने का संकेत है या आर्थिक स्थिति मजबूत होने, धन लाभ होने का भी संकेत है। बिना वजह परिवार के किसी सदस्य से आपको अगर कुछ पैसे मिलते हैं तो इसका मतलब होगा कि आपको किसी काम में सफलता मिलने वाली है और आपका जितना भी बुरा समय था वो दूर होने वाला है। इसके साथ ही आपके धन में वृद्धि होने की संभावना भी बढ़ती है। अगर आप किसी कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ बर्तन दिखाई देता है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि आपका कार्य सफल होगा। अगर आपको घर से बाहर जाते समय कोई हंसता हुआ बच्चा दिखाई दे जाए तो समझ जाना चाहिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इसके साथ ही आपका दिन शुभ बीतने वाला है। ये बात तो सब जानते ही हैं कि पशु पक्षी भी हमें आने वाले समय के संकेत देते हैं। अगर गाय सुबह सुबह आकर आपके द्वार पर रंभाना शुरू कर दे तो ये संकेत सौभाग्य सूचक है। समझ लीजिए आने वाले वक्त में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आपको कहीं से शुभ समाचार भी मिल सकता है। सुबह सुबह अगर कौवा आपके घर के मुख्य द्वार के पास आकर बोले तो समझ ले कि आपके घर कोई आपसे मिलने आने वाला है, आपका कोई प्रिय दोस्त या रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है। कौवा अगर दोपहर में बोले तो आपके घर कोई चिट्ठी आ सकती है। अगर आपके घर के आंगन में बंदर कहीं से लाकर आम की गुठली डाल दे तो ये संकेत व्यापार में वृद्धि का सूचक माना जाता है। वहीं घर के दक्षिण दिशा में तीतर आदि आवाज करता हो तो अचानक से सुख सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। आप किसी अच्छे कार्य से घर से निकले हों और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति गुड़ खरीदता हुआ या फिर गुड़ ले जाता हुआ दिखे तो समझ लीजिए कि आपका कार्य पूर्ण होगा और आपको आशा से अधिक लाभ होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।